हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टीचर्स क्लास। आज हम क्लास सी की इंग्लिश ग्रामर में एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस वर्कशीट करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि सभी टॉपिक्स को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आज मैंने सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंस पर, थ्री टाइप्स ऑफ टेंस पर वीडियो बनाई हुई है। हमारे क्वेश्चन CBSE, ICSE, NCERT और ओलंपियाड के क्वेश्चन पर बेस है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Fill in the blanks by simple past tense. Simple past tense हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। इसका रूल मैं आपको पहले बता देती हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब इन ब्रैकेट सेकेंड, मतलब सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? डी या ईडी जोड़ते हैं, इसीलिए डी और ईडी मैंने लिखा हुआ है। प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे हो गया आपका स्टैंड का स्टूड हो गया, है ना, या फिर स्टैंड का स्टू तो बिल्कुल ही चेंज हो गया, है ना, लैंड का लैंडेड हो गया, लुक का लुक्ड हो गया, किसी किसी में तो बिल्कुल चेंज हो जाता है, जैसे सी का सॉ हो जाता है। तो आपको ये रूल याद रखनी है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म मीन्स डी और ईडी प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ फर्स्ट, दे डैश इन ब्रैकेट गो टू द शॉप यस्टरडे। तो हमने बताया ना, ऑब्जेक्ट मतलब समझ रहे हो, जैसे दे हो गया सब्जेक्ट और यहाँ पे वेंट हो गया वर्ब का सेकेंड फॉर्म और टू द शॉप, शॉप हो गया ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? सो दे वेंट टू द शॉप यस्टरडे। सेकेंड वन, ही डैश इन ब्रैकेट कैच हिम रेड हैंडेड। ही कॉट हिम रेड हैंडेड। नेक्स्ट हो गया, माया डैश इन ब्रैकेट टेल मी द इश्यू लास्ट नाइट। टेल का टोल्ड, माया टोल्ड मी द इश्यू लास्ट नाइट। फोर्थ वन, शी इन ब्रैकेट डू इट फॉर द अवार्ड। शी डिड इट फॉर द अवार्ड। फिफ्थ वन, वी डैश इन ब्रैकेट सी अ किटन लास्ट नाइट। वी सॉ अ किटन लास्ट नाइट। Sixth one, Rhea and Reena in bracket fight for the role. Rhea and Reena fought for the role. Next, seventh one, he dash in bracket play with me yesterday. He played with me yesterday. Eighth one, suddenly it dash in bracket stop here. Suddenly it stopped here. So understand? Now move to our next worksheet. Next question is, fill in the blanks with present continuous tense. Present continuous मतलब जो अभी हो रहा है, है ना, चल रहा है जो चीज अभी present में। तो इसका rule क्या है? Rule है इसका subject plus is am are plus verb इन ब्रैकेट ing प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट के साथ आपको सिंगुलर है या प्लूरल नाउन है, उसके साथ इज एम आर जो लगता है वो देखना पड़ेगा, प्लस वर्ब का ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वन, शी डैश इन ब्रैकेट पेंट फॉर हर बेस्ट फ्रेंड। शी इज पेंटिंग फॉर हर बेस्ट फ्रेंड। शी सब्जेक्ट है और बेस्ट फ्रेंड ऑब्जेक्ट है और ये इज पेंटिंग, है ना, वर्ब का ing फॉर्म, सी सिंगुलर है इसलिए। सेकेंड, जिया डैश In bracket move the chair. Jia is moving the chair. Third one, the dog dash in bracket bark at the gate. The dog is barking at the gate. Fourth one, my mother dash in bracket cook in the kitchen. My mother is cooking in the kitchen. Fifth one, I dash in bracket run to catch the mouse. I ke saath am, I am running to catch the mouse. Sixth one, Ritu dash in bracket dance for the show.
डांस का हो जाएगा डांसिंग. सो ऋतु इज डांसिंग फॉर द शो. सेवेंथ वन दे डैश इन ब्रैकेट सिट ऑन द फ्लोर. दे आर सिटिंग ऑन द फ्लोर. सिट का सिटिंग. एंड एट्थ वन प्रीति एंड मोना डैश इन ब्रैकेट जंप इन द ग्राउंड. प्रीति एंड मोना आर जंपिंग इन द ग्राउंड. अंडरस्टैंड. सो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज वेरी सिंपल. बस आपको याद रखना है तो रूल याद रखना. अगर आपको एक बार रूल याद हो गया तो आप इजीली जो टेंस के जितनी भी काइंड्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आप इजीली कर सकोगे. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्कशीट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ सिंपल फ्यूचर टेंस. अब व्हाट इज सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल क्या है. इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस वर्ब इन ब्रैकेट बेस फॉर्म. मतलब विल शैल के साथ वर्ब का बेस फॉर्म लगता है. ओके फर्स्ट वन आई डैश इन ब्रैकेट कॉल हिम टुमारो. आई विल कॉल हिम टुमारो. सेकेंड वन वी डैश इन ब्रैकेट गो टू द प्लेग्राउंड. वी शैल गो टू द प्लेग्राउंड. अब आपको लगेगा कि यहाँ पे भी तो विल लगा सकते हैं. जनरली हम वी के साथ शैल यूज़ करते हैं पर वी के साथ विल भी यूज़ होता है. शैल तब यूज़ होता है जब अनसर्टेंटी हो. मतलब शैल गो अच्छा जा भी सकते हैं प्लेग्राउंड. अंडरस्टैंड. थर्ड वन दे डैश इन ब्रैकेट प्ले इन द पार्क. दे विल प्ले इन द पार्क. फोर्थ वन मॉम डैश इन ब्रैकेट कुक फॉर अस इन द इवनिंग. मॉम विल कुक फॉर अस इन द इवनिंग. Fifth one, I dash in bracket watch television tomorrow. I will watch television tomorrow. Sixth one, she dash in bracket give me my pencil in the class. She will give me my pencil in the class. Seventh one, Rani dash in bracket make it for us. Rani will make it for us. Eighth one, Shiju dash in bracket bake those cookies. Shiju will bake those cookies. So it is very simple. Hope आपको ये जितने भी tense के kind आज मैंने समझाया ये अच्छे से समझ में आ गया होगा with worksheet. डाउट है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं. हमने बहुत सारे वर्कशीट अपलोड करके रखे हैं. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.